इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की पीडीएफ फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 22 फरवरी 2023 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर डेली करंट अफेयर्स क्यूज, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का इतिहास, 22 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। रीट थर्ड ग्रेड परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी। जिला कलेक्टर ने रीट परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा 25 और 26 फरवरी को होगी। नवज्योति जोधपुर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। परीक्षार्थियों का जयपुर व अन्य स्थानों पर दिया परीक्षा केंद्र। रीट की परीक्षा देने दिव्यांगों को दूसरे जिले में जाना होगा, सता रही है चिंता। राजस्थान पत्रिका अलवर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा। इस परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 10 उपसमन्वयक, 6 उड़नदस्ता दल, 64 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। अध्यापक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से जिले में 37 केंद्रों पर 47,209 अभ्यर्थी पंजीकृत। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती श्रीगंगानगर। रीट शिक्षक भर्ती सेंटर को लेकर ज्ञापन सौंपा। छाजा डूंगरपुर भास्कर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। डूंगरपुर भास्कर न्यूज, शिक्षक भर्ती परीक्षा वागड़ के करीब 30,000 अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। बसों में दुगना किराया देने पर भी नहीं मिल रही है सीट। 15 घंटे के अंतराल में दो एग्जाम, एक उदयपुर तो दूसरा जयपुर, दोनों के बीच दूरी 500 किलोमीटर, पहुंचने का संकट। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी 26 की शाम 5:30 बजे तक भरतपुर में, फिर अगले दिन सुबह 9:30 बजे जयपुर में देंगे परीक्षा। एक से अधिक पेपर देने वालों को रात में ही पहुंचना होगा जयपुर। ट्रेनों में अभी से सीट फुल, लंबी वेटिंग। थर्ड ग्रेड भरतपुर। 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 21 मार्च से 11 अप्रैल तक होगी परीक्षाएं। चयन आदेश जारी, ऑफलाइन काउंसलिंग से पोस्टिंग की संभावना। स्कूलों को मिलेंगे 10,000 वाइस प्रिंसिपल। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए काउंसलिंग जल्द होने की उम्मीद। शिक्षा विभाग बीकानेर, फर्स्ट ग्रेड के 10,096 पद खाली। एफओएसओ भर्ती, राजस्थान का इतिहास, कल्चर और हेरिटेज की जानकारी की भी होगी परख। 110 प्रश्न जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आएंगे। आरपीएससी अजमेर, 1 मिनट में हल करना होगा 1 सवाल। इंटरनेट नंबर से आए थे सीएचओ भर्ती के प्रश्न, सुबह 7 बजे से ही शेयरिंग हो रही थी। सवाल लीक पर बड़ा सवाल, परीक्षा से 3 घंटे 22 मिनट पहले ही बाहर आ गए थे प्रश्न, शेयर करने वाला भी अभ्यर्थी। एक सवाल एसओजी से, भास्कर ने नंबर जारी किए, अब आरोपी पकड़ना आपका काम। भास्कर न्यूज जयपुर। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सेट अब 26 मार्च को होगी, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जयपुर। युवा शिक्षा अवसर, प्रदेश की मात्र एक स्टेट विश्वविद्यालय ने दिखाई सीयूटी में दिलचस्पी, मुख्य विश्वविद्यालय शामिल नहीं। इग्नू के जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 28 तक। कोटा युवा शिक्षा अवसर,
विश्वविद्यालय एक फीस अलग अलग है। नए कृषि कॉलेजों में बीएससी करना 46,000 तक सस्ता। एनटीए ने पते का फॉर्मेट नहीं दिया, 8,00,000 छात्र परेशान। जेडब्ल्यू मैन जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। ऑनलाइन आवेदन एवं हार्ड कॉपी जमा करवाने का एक और मौका। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बीकानेर युवा शिक्षा अवसर फॉरम जांच का काम पूरा। प्री प्राइमरी कक्षा में विद्यार्थियों को सीट अलॉटमेंट 28 को होगा। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा आरपीएससी 10 दिन बाद हॉस्पिटल केयर टेकर परीक्षा का स्कैन पेपर जारी हुआ। आरपीएससी अजमेर आरपीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट परीक्षा के आवेदन में संशोधन का आज अंतिम दिन। 30,000 सफाई कर्मचारियों की होगी भर्ती, सभी निकायों से मांगी रिपोर्ट। नवज्योति जयपुर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ मनाएगा काली होली। थर्ड ग्रेड तबादला मामला जैसलमेर। आरटी प्री प्राइमरी की प्रवेश प्रक्रिया पर विवाद, स्कूल संचालक कोर्ट पहुंचे। जयपुर शिक्षक से पूर्व के वेतन की रिकवरी का आदेश रद्द। भास्कर न्यूज जयपुर सरकारी स्कूलों का हाल, इस साल अभी तक हुई सिर्फ 116 दिन पढ़ाई, कोर्स अधूरा। वर्ष 2021-22 में 240 दिन का था शैक्षणिक सत्र। राजस्थान पत्रिका अजमेर परीक्षाएं नजदीक, कक्षाएं नहीं लगने से पढ़ाई हो रही है चौपट। मत्स्य विश्वविद्यालय का हाल अलवर। सीटीटी जल्द करेगा परिणाम जारी। नवज्योति जेडब्ल्यू मैन कोटा मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 से। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर जेडब्ल्यू मैन 2023 आठवीं बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को देगी विषयवार स्किल ट्रेनिंग श्रीगंगानगर। आठवीं की बोर्ड परीक्षा 21 मार्च से, मूक बधिर परीक्षार्थियों को 40 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। बांदीकुई भास्कर न्यूज छात्रवृत्ति स्कूली विद्यार्थियों की 5 योजनाओं की आवेदन तारीख 25 तक बढ़ी। अजमेर भास्कर न्यूज राजस्थान की 8वीं बोर्ड के एग्जाम 21 मार्च से। करौली मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय 179,000 विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 28 से। उदयपुर